आज प्रदेश की राजधानी लखनऊ में चित्रांश महासभा का आयोजन हुआ है, जिसमें प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। प्रदेश के सभी राजनीतिक पार्टियां आज कायस्थ समाज को अपनी तरफ लुभाने के लिए सबकी निगाहें लगी हुई है। इस अवसर पर कायस्थ वर्ग समाज को लेकर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनवाते हैं। हम लोग गुजरात में थे, उन्होंने कहा आना है, मतलब चलो एक पंथ दो कांड हो जाएंगे, अभी उनकी का कार्यक्रम हो जाएगा और चित्रांश महासभा के कार्यक्रम में भी हम लोग पहुंच जाएंगे। मैं बहुत बहुत बधाइयां देता हूं और चित्रांश महासभा को इस बात का भरोसा दिलाता हूं कि बाबू जी ने जिम्मेदारी अब नौजवान कंधों पर डाल दी है। मैं भरोसा दिलाता हूं जिस ढंग से बाबू जी के साथ हम लोगों ने कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है, हम आप सबके साथ भी कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे और कभी भी कोई बात होगी मैं हमेशा आपके लिए समर्पित भाव से काम करूंगा। ढेर सारे चेहरे हमारे यहाँ पर भाई की तरह है, बहनों की तरह है, कभी भी कोई बात हो आप हमें बुलाएंगे, मैं आपके परिवार की तरह आपके साथ खड़ा मिलूंगा। अखिल भारतीय चित्रांश महासभा का 21वां स्थापना दिवस प्रदेश की राजधानी लखनऊ में क्या पर्पज है, क्या उद्देश्य है, आइए बात करते हैं। सर क्या नाम है? हमारा नाम है संजीव वर्मा, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ अखिल भारतीय चित्रांश महासभा का और कार्यवाहक। अभी भी हमारे बाबूजी श्री विनोद बिहारी वर्मा जी, जो कि पिछले दो दशकों से अखिल भारतीय चित्रांश महासभा में कायस्थों को जोड़ने का, एकत्रित करने का कार्य कर रहे हैं और अभी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष वही है, मैं तो कार्यवाहक हूँ। ये कार्यक्रम हम लोगों ने अपने स्थापना दिवस के रूप में मनाया है, इसमें हमारे संस्था के संस्थापक लोगों का सम्मान किया जाएगा तथा उत्तर प्रदेश भर से सभी जिलों से कायस्थ लोग आके बाबूजी का सम्मान करना चाहते हैं, क्योंकि अपने जीवन के 40 साल उन्होंने कायस्थों की सेवा में, उनको एकत्रित करने में, उनकी एकता बढ़ाने में तन मन धन से कार्य। 2002 में हमारे ससुर जी, मेरे पिताजी, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। आज हम सब उसको बड़े सम्मान से 21वां स्थापना दिवस मना रहे हैं और मैं मतलब यही है, मकसद उनका यही था कि हम कायस्थों को एकजुट करें, देश की उन्नति में हर जगह कायस्थों का बहुत बड़ा योगदान है, चाहे हमारे राष्ट्रपति रहे हों, चाहे प्रधानमंत्री जी रहे हों। आज भी हमारे बहुत से मंत्रीगण भी हैं, इस समय कायस्थों का बहुत योगदान रहा है और हम यही चाहेंगे इसमें महिलाओं का भी योगदान बढ़े। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में ये कायस्थ समाज कितना अग्रणी होके और अपनी पहचान बनाने में कितना कामयाब होगा, ये तो आने वाले वक्त में ही पता लगेगा। कैमरा पर्सन साकेत के साथ शुभकांत श्रीवास्तव, MKN न्यूज़ लखनऊ।